ये कहा गया है कि कंप्यूटराइज मार्कर प्लानिंग जो है ये प्रोडक्टिविटी के साथ साथ जो ऑपरेशन होता है कटिंग रूम का उसको इम्प्रूव करता है, और मार्कर प्लान प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली रिडक्शन इन फैब्रिक कंजम्पशन। अगर हम देखें फैब्रिक कंजम्पशन 9 to 15%, क्योंकि वेस्टेज कम हो गया। ऑटोमेटिक कटिंग में जो है ये कैड सिस्टम जो है ये यूज हो रहा है। अब इससे जब कटिंग बेटर होगी तो आपका जो है मतलब वेस्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स फॉर डिफेक्ट एनालिसिस। अब अपेरल प्रोडक्ट्स जो है ये कैसे इनका डिफेक्ट्स आप छांटते हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी और जो कंपनी की इमेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो कंज्यूमर है वो क्वालिटी कॉन्शियस ज्यादा होता जा रहा है, और साथ ही साथ जो है टूल्स ऐसे उसके पास आ गए हैं जिससे कि इन डिफेक्ट्स को कंट्रोल किया जाए और अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर है। तो कंप्यूटर असिस्टेड टूल्स जो हैं वो अपेरल इंडस्ट्री में बनाए, जैसे स्विंग डिफेक्ट्स एनालिसिस सिस्टम SDAC। तो ये है क्या SDAC? ये नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, और इसमें हम ऐसे डिफेक्ट्स लेते हैं जैसे स्किप स्टिचेस और सीम पकरिंग जो है गारमेंट के अंदर जो डिफेक्ट्स आता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ जो डिफेक्ट हम इससे ले सकते हैं, लोकेशन कहाँ पे है, नेचर ऑफ डिफेक्ट्स क्या है, और इनसे हम जो है स्विंग डेप जो है ये एक डेटा से अगर हम ले लें तो हमें पता लग जाएगा कि किस टाइप से है। अब साथ ही साथ कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है अब मार्केट डिमांड के साथ उन्हें जस्ट इन टाइम GAIT सिस्टम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी में। तो जो कंप्यूटर बेस्ड जो आपकी प्लानिंग है और शेड्यूलिंग टूल है ये राइट मिक्स ऑफ गुड्स एलिमिनेट्स द बॉटलनेक्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम। तो जब आप सही चीज का प्रयोग करेंगे, मिक्स आप सही यूज करोगे, प्रोडक्ट मिक्स में हेल्प करेंगे और प्रोडक्शन आपके शेड्यूलिंग प्रोडक्शन कितने कौन सा बेटर है आपके लिए अगर वो हेल्प करेगा तो डेफिनेटली बेटर है। अब साथ ही साथ इसका जो प्रयोग है 3D बॉडी होलो स्कैनर। तो ये जो स्कैनर है दे आर बेस्ड ऑन लाइट प्लेन एंड ट्रायंगुलर मेथड्स में यूज होता है। ए लेसर, इसमें हम लेसर का प्रयोग करते हैं लाइट सोर्स के लिए, और CCD टेक्नोलॉजी ये जो व्यू है उसको जो है देखता है। तो डिस्प्लेसमेंट को जो बॉडी के साथ जब लाइट आती है तो वो कितनी डिस्प्लेस हो रही है या सरफेस से, तो ये जो स्कैनिंग टाइम है 10 से 18 सेकेंड होता है। सो द स्कैन मेजरमेंट इज ट्रांसमिटेड टू ए कैड सिस्टम दैट विल ऑटोमेटिकली ऑल्टर द पैटर्न टू कंफर्म द स्पेसिफिक बॉडी मेजरमेंट। द पैटर्न मस्ट बी लेड आउट कट एंड स्विंग बाय अ ग्रुप ऑफ स्विंग स्पेशलिस्ट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर मेड टू मेजर क्लोथ। तो दोस्तों इससे जो है मतलब है टाइम आपका सेव हो रहा है। वर्चुअल मर्चेंडाइजिंग में कैसे काम करता है? वर्चुअल मर्चेंडाइजिंग की बात करें इन द फैशन इंडस्ट्री यूज टू मीन द मैनिक्विंस यूज टू डिस्प्ले गारमेंट्स टू द पब्लिक। बट वर्चुअल मर्चेंडाइजिंग में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और इसका वाइडर एप्लीकेशन हम यूज करते हैं जिससे कि कोई भी चीज जो हम कर रहे हैं वो रिटेल बायर्स को तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ इनका जो दूसरा हम देखें, इससे हम वो स्टोर लेआउट्स को प्लान कर सकते हैं, और साथ ही साथ वर्चुअल शॉपिंग टू कस्टमर बाइंग ओवर द इंटरनेट। डायरेक्ट इंटरनेट में वो जो है कस्टमर देख सकता है कि भाई ये जो है जो कपड़ा है ये या ये जो ड्रेस है ये मेरे लिए बेटर है कि नहीं। अब साथ ही साथ इसका है मेड टू मेजर। मेड टू मेजर मेजर में IT कैसे हेल्प कर सकती है? तो अगर हम फीचर्स की बात करें, सुटेबल फॉर कस्टम टेलरिंग इंक्लूडिंग ड्रेस सूट्स यूनिफॉर्म शर्ट्स एंड सूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ पैटर्न इज वेरी इजी। ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ पैटर्न्स एंड मेकर्स।
A qualified professional, if it is aided by internet service, obtains the individual measurement of the customer directly. There is no need that the customer should go for the measurement to a tailor. Thus, the garment ordered shall be fitted for the customer better than any other standard size. अब ये चीजें जो है मतलब हेल्प कर रही है आईटी डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अब अगर हम इसमें जो बात करेंगे जो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है ये फाउंडेशन देती है ऐसे स्टैंडर्ड्स को जिससे कि डिजाइन जो है वो बढ़िया ढंग से बना सकें और इम्प्लीमेंटेशन उनका जो है बढ़िया ढंग से जो है यूज हो सके. तो दोस्तों अब इसके साथ हमने जैसे अभी बात करी कि मैं जो इससे पहला जो हमारा हमने अपना वीडियो बनाया था उसमें हमने कहा कि भाई जो हमारा मर्चेंडाइजर है उसे नॉलेज होनी चाहिए टेक्सटाइल की. अब मगर ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी जरूरी है. ही शुड बी मतलब कम्युनिकेशन करना है तो उसे साथ ही साथ जो है मेल्स लिखनी आनी चाहिए कम्युनिकेट बेटर करना आना चाहिए उसका स्पोकन जो वर्ड्स हैं उसे उसे पता होना चाहिए. तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर टुडे. मेरा ख्याल है कि ये आपको टॉपिक जो है अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो कृपया करके इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें. थैंक यू फ्रेंड्स. हैव अ नाइस डे. स्टे होम एंड स्टे फिट.